दोस्तों ये केटरपिलर यहाँ पे आता है और इस एप्पल में छेद करके इसी में घर बनाकर रहने लगता है। और फिर ये केटरपिलर रात में सो रहा होता है, तभी इसको बाहर से कुछ खाने की आवाज आने लगती है। और केटरपिलर आवाज से परेशान होकर बाहर निकल कर देखता है तो इसके बाजू में एक और एप्पल लगा होता है जिसमें कोई और कीड़ा रह रहा होता है। और ये देखकर केटरपिलर वापस अंदर जाकर सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है और केटरपिलर नींद से उठ जाता है। और फिर केटरपिलर बाहर निकल कर देखता है इस बाजू वाले एप्पल में तो भाई एक बहुत खतरनाक हट्टा कट्टा कीड़ा रह रहा होता है। और इससे ये केटरपिलर कुछ बोल भी नहीं सकता है। और फिर ये कीड़ा इस पेड़ से नीचे उतर जाता है और अपने पार्टनर को लेकर ये पार्क में घूमने चला जाता है। और फिर केटरपिलर मौका देखकर इस कीड़े के एप्पल को काटकर नीचे गिरा देता है। और फिर केटरपिलर अपना दिमाग लगाकर इस पेड़ के सारे एप्पलों को एक एक करकर नीचे गिरा देता है। और फिर केटरपिलर अपने एप्पल में जाकर सो जाता है। और फिर कुछ देर बाद ये कीड़ा भी पार्क में घूमकर वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन ये कीड़ा यहाँ पे आकर देखता है तो यहाँ पे इसका घर नहीं होता है। और फिर ये कीड़ा केटरपिलर से पूछता है कि मेरा घर यहाँ से कहाँ गया। केटरपिलर कहता है कि यहाँ पे जोर से तूफान आया था, शायद तूफान में नीचे गिर गया होगा। और इतना सुनकर कीड़ा यहाँ से चला जाता है।